बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज 2.6 एंड इन एक्सरसाइज 2.6 आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मींस डेसिमल के बाद आपने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज तक जाना है। क्लियर? अब पॉइंट आपने कहाँ पर लगाना है और किस तरह से लगाना है देखते हैं। 1, अब आपके पास एक वैल्यू है और वो वैल्यू है 2। जब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है 2 का, तो 1 टाइम्स करके आपके पास 1 आ गया। जहाँ पे आप 0 का पेयर ऐड करने लगे, इस 0 का पेयर को ऐड करने से पहले आपने यहाँ पर पॉइंट लगा देना। क्लियर? अब यहाँ आपके पास पॉइंट आ गया 9। अब ये दोनों ऐड होके 2 हो गए। यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 में से, तो 1 रह गया और ये 0 का पेयर नीचे मूव करवा दिया। नाउ 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 96। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो वो 69 होना था, बहुत छोटी वैल्यू। अगर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो वो आपके 125 आ जानी थी, जो 100 से बिगर वैल्यू हो जानी थी। तो हमें इससे छोटी वैल्यू चाहिए थी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग 4 स्क्वायर। क्लियर? 96 हो गया, देन अगेन इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाया, 4 आया, 0 का एक और पेयर आपने नीचे मूव करवा लिया। अब ये जीरोस आपके पास नहीं थे, ये जीरोस का पेयर आपको जितने चाहिए आप खुद से लगा सकते हैं, बिकॉज के हमने ऊपर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद आप जितने चाहें जीरोस ऐड कर सकते हैं। इट बिकम्स 400, देन सब्ट्रैक्टिंग इसको मल्टीप्लाई किया 281 को 1 से, यू गॉट 281 हेयर। सब्ट्रैक्ट किया तो 119 एंड 0 का अगेन पेयर आपने नीचे मूव करवा लिया। 2, 8, 1 + 1, 2। अगेन 4 के साथ इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 8, 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यू गॉट 11296। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू गॉट दिस। बट उन्होंने हमें कहा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद 3 नंबर्स, और 3 नंबर्स हमारे पास आ गए, सो ऑन का साइन लगा के आप इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। नीचे आप लिख देंगे कि स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414, सो ऑन। क्लियर? सेकेंड पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज 3। 3 का भी आप उसी तरह से करेंगे, 1 टाइम्स यू गॉट 1, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया और यहाँ पर 1 ऐड कर लिया तो ये बन गया 2। अब पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर आप जीरोस के पेयर्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ 27, 7 टाइम्स 189। नाउ अगेन 0 का पेयर ऐड कर देंगे, 7 प्लस कर देंगे, इट बिकम्स 34। अब 34 के साथ 3 लगाएंगे एंड वी गॉट 1029। अगेन इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, यू गॉट 71। क्लियर? अगेन 0 का पेयर और यहाँ पर 3 ऐड किया, इट बिकम्स 346। नाउ मल्टीप्लाई 3462 बाई 2, यू गॉट 6924 एंड द रिमाइंडर इज 176। यू हैव नाउ 3 वैल्यूज, सो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, सो ऑन। क्लियर? नाउ डू योर सेल्फ सम पार्ट्स फॉर यू। नाउ दीज आर द 4 पार्ट्स फॉर यू प्रैक्टिस एंड डू दीज पार्ट्स, लुक वन टाइम मोर क्लियरली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यस, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 3.6 इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपने 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद आपकी 2 वैल्यूज आएंगी, उसके बाद आपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। नाउ लुक 3.6, अब ये पेयर कंप्लीट करने के लिए आपने 10 लगाया, ये पेयर आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? 1 टाइम्स 1, पॉइंट ऊपर मूव करवा दिया, सब्ट्रैक्ट किया 2 और इस पेयर को साथ नीचे मूव करवा लिया 60। यहाँ ये दोनों ऐड होके 2 हो गए। अब 28 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गॉट 224। नाउ
यहाँ 8 ऐड किया, यू गॉट 36, और इनको सब्ट्रैक्ट किया, यू गॉट 36 अगेन। अब यहाँ 0 का पेयर ऐड किया और उसको नीचे मूव करवा दिया, इट बिकम्स 3600। क्लियर? नाउ 369 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 9, यू गॉट 3321। And after subtracting this, you got 279. You have two values of the decimal, so you can stop this question. Square root 3.6 is equal to 1.89, so on. Now look at the second part, and the second part is 6.4. For 6.4, first of all, you have to complete the pair. Clear? Now, 2 times 4, 2 plus 2, you got 4. Clear? Now, point upar move karwa diya aur 40 jo hai wo aapka niche aa jayega. Now, 45 will be multiplied by 5 and you got 225. Now, add up 5 here, you got 50 here. And after subtracting this, you got 15. Now, adding the 0 pair here and you got 00. It becomes 1500. Now, put 2 there. 502 multiplied by 2, you got 1004 here. And after subtracting, you got 490. 96. Clear? Now you have two values. Now stop your question. 6.4 is equal to 2.52, so on, putting the so on sign on each question. Clear? Let's have a look on this question. 36.008. Now first of all, you have to solve this pair, then this is a pair, then complete this, this is also a pair. Clear? Now, first of all, you have to do like this. 6 are 36. Now it becomes 12. And move the point upward and the pair of 0 downward. Now, 120 multiplied by 0, you got 00. Again, adding 0, 120. And move this pair to downward. Again multiply with 0. You got 00. 80 here. And the our answer will be 36.008 square root is equal to 6.00, so on. Clear? Now these are the three parts for your practice. You have do yourself, and now we are completed our 2.6. Clear, students? Hope you all are understand.